अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे यूट्रस और इसकी टाइप्स के बारे में, कि मतलब आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि एंटीबॉडी यूट्रस क्या होता है, रिट्रोवर्टिक यूट्रस क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने कहा थोड़ा आपको डिटेल से बता दूँ, ताकि आपको थोड़ा सा मतलब उसके बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा तफसील में गए तो आपको वो कॉम्प्लिकेटेड आपका माइंड हो जाएगा, आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंटीबॉडी यूट्रस क्या होता है। ठीक है, एंटीबॉडी यूट्रस, ये एंटीबॉडी यूट्रस है। ठीक है, इसमें एंडोमेट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो दरमियान से टूवर्ड्स लेफ्ट साइड जा रही है। ठीक है, ये है जी इसकी एंडोमेट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये जो स्ट्रिप है ना, इसको कहते हैं दरमियान में जो वाइट वाइट स्ट्रिप आ रही है, इसको कहते हैं जी एंडोमेट्रियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये जा रही है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल एंटीबॉडी यूट्रस। ठीक है, और दूसरी तरफ जब हम आ जाते हैं तो जी ये है जी रिट्रोवर्टिक यूट्रस। ठीक है, रिट्रोवर्टिक यूट्रस में क्या है जी, वहाँ पे टूवर्ड्स लेफ्ट साइड जा रही थी एंडोमेट्रियल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे टूवर्ड्स राइट साइड जा रही है। ये जो स्ट्रिप है इसको कहते हैं एंडोमेट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये जो है टूवर्ड्स कह लो कि राइट साइड जा रही है। ठीक है, तो इसमें खैर इतना मतलब फ़र्क तो नहीं होता, ये भी यूट्रस नॉर्मल है, ये भी यूट्रस नॉर्मल है। ठीक है, और ये जो दोनों ये जो दोनों टाइप्स हैं वो ना मतलब कि इसमें से कम थोड़ा इन्हीं के टाइप्स हैं, वो थोड़ी आगे टाइप्स हैं। ठीक है, एंटीबॉडी रिट्रोफ्लेक्स, रिट्रोवर्टिक एंटीफ्लेक्स, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में बताया गया तो आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं, ये ज़्यादा डिटेल से मालूम इसके बारे में हासिल करना चाहते हैं, तो आप रेडियोलॉजी या रेडियोपीडिया से आप मालूम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और बस मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रही थी, यूट्रस और यूट्रस की ओरिएंटेशन क्या होती है। यूट्रस की ओरिएंटेशन ये होती है कि टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और टुवर्ड्स राइट साइड होती है। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये उल्टी यूट्रस हो गई है। ठीक है, वो इसको ये उल्टी यूट्रस कहते हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं होता, उल्टी यूट्रस कुछ नहीं होता है, और बस उस जैसे उसकी ओरिएंटेशन का फ़र्क होता है, उसकी शेप सब कुछ वैसे ही होता है, जैसे उसकी जो होता है वो ओरिएंटेशन यानी कि टुवर्ड्स राइट साइड होती है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होती है। तो फिर इसका बस थोड़ा सा इशू होता है, बल्कि इसका तो इशू होता ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि आपको कि आपकी यूट्रस उल्टी है या कुछ भी है, तो वो बात ठीक नहीं है। यूट्रस उल्टे होने से या कुछ भी होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी ओरिएंटेशन के कुछ भी होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी प्रेगनेंसी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आपके जो भी मामलात हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना ही, यूट्रस और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करना था। अल्लाह हाफ़िज़।